हाय दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की मीठी चटनी, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके लिए आधा केजी टमाटर ले रखा है, 200 ग्राम चीनी ले रखी है और थोड़ी सी नारियल, किशमिश और बादाम ले रखी है और 2 चम्मच घी है। तो आइए चलते हैं। तो मैंने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई गर्म कर दी, इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट रखे हैं इसको मैं इसमें तल दूंगी। थोड़ा पहले मैं नारियल डाल देती हूँ दोस्तों, इसको थोड़ी सी मैंने गरम कर दी है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी इसको घी में तल देती हूँ। तलने से जो चटनी में ऐसे फूला फूला किशमिश आता है वो अच्छा लगता है। बादाम है, अखरोट है, तो उनको मिला तो इसी तेल में मैंने थोड़ी सी जीरा ले डाल दिए, एक लाल मिर्च, एक तेज पत्ता। और मैं पूरे टमाटर डाल दूंगी। अब मैं इसको ढक देती हूँ। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट हुआ, देखिए ऐसा हो गया है। तब मैं आप इसमें ये भी जितना भी ये डाल देती हूँ, सब तल के रखती हूँ। चीनी थोड़े से मैंने में रख लिया है, बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। अच्छा, उसको मैं इसको 5 मिनट तक और सिधा देती हूँ, फिर ढक देती हूँ, फिर 1 मिनट पर इसको चलाती रहूंगी। देखिए दोस्तों, चटनी तैयार हो गई है। देखिए मीठी चटनी टमाटर की, थोड़ी सी मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची पाउडर थोड़ी सी डाल रही, बता देते हैं दोस्तों कितनी अच्छी से बन गई। मैं आपको दिखाती हूँ, ना ऐसे ही करना अच्छा है ना दोस्तों। देखिए, इसको सर्दियों के दिन में फ्रिज में रखकर 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं। जब खाने लगे तो इसको गर्म कर लें, 8 से 10 दिन इसको बना के कोई कंटेनर में रख सकते हैं, इसको खा सकते हैं रोटी के साथ ऐसे भी। देखिए दोस्तों कितना अच्छा टमाटर की मीठा चटनी। ये दोस्तों तैयार हो गई टमाटर की मीठी चटनी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।